दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। क्या आप रोज़ रोज़ के नाश्ता खाकर परेशान हो चुके हैं, आप कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए ब्रेड की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत अलग तरीके से हम बनाएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही में दबाएं बेल आइकन के बटन को ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। बनाने के लिए जी मैंने 4 से 5 मैंने ब्रेड ले ली है, ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब ब्रेड को हम कट कर लेंगे, ब्रेड को लेंगे हम इस तरीके से काट लेंगे। आज ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड काट के रख लेंगे। ब्रेड को देखिए मैंने सारे ब्रेड को काट कर लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। ये लिया है मैंने 1 कटोरी बेसन, बेसन में हम डालेंगे ये 2 से 3 हम हरी मिर्च को काट लिया है बारीक, ये भी डाल देंगे। और हम डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, आधी चम्मच डालेंगे हम ये चाट मसाला, आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन, आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम जो सौंफ, आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें हम नमक। अब हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हमारे लिए ये मिर्ची हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी वो पर्याप्त है, इसलिए मैंने नहीं डाली है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मिला लेंगे, और हमें परफेक्ट घोल हमें तैयार करना है, ना हमें ज़्यादा पतला ना ज़्यादा हमें मोटा बनाना है। हमें पानी को इकट्ठा नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और मिलाते जाना है। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कभी भी आपका चटपटा खाने का मन करे, जब कभी भी अगर कुछ अलग खाने का मन करे तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। हमें बेसन के घोल को हमें इस तरीके से बनाना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, हमें इस तरीके का ही घोल चाहिए। अब इसे हम साइड में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट देखिए रखे हुए हो चुके हैं हमारे घोल को, देखिए हमारा घोल अच्छे से सेट हो गया है। अब देखिए बहुत परफेक्ट है इस तरीके से, इसी तरीके से हमें चाहिए। हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल को हम मीडियम गर्म करेंगे, हमें ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है। तेल का देखिए गर्म हो गया है, अब इसमें हमने जो ब्रेड को रखा था काट करके इसमें हम डिप कर देंगे, और एक एक पीस हम इस कढ़ाई में हम छोड़ देंगे, और गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। एक बार में जितने आ जाएंगे उतने हम छोड़ देंगे, बहुत ही आराम से छोड़ें आप, बहुत ही सावधानी से, वरना आप आराम से छोड़ें, नहीं तो जो तेल के छींटे हैं वो आपके ऊपर भी आ सकते हैं। मैंने देखिए सारे चाप मेरे आए हैं कढ़ाई में, और हम गैस की फ्लेम को स्लो करके हम इन्हें पका लेंगे। अब इन्हें हम पलट लेंगे, दोनों साइड से हमें उलट पुलट के हमें अच्छे से सेक लेना है, जब तक अच्छा सा कलर नहीं आना आ जाए, अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें सेकना है दोनों साइड से। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, दोनों साइड से उलट पुलट के मैंने सेक लिया, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इस तरीके की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को हम निकाल लेंगे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह की वीडियो के साथ और मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।